तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन हो चुका है, जो है इसे बोलते हैं HDMI केबल, एक ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करके देखेंगे कि हमारी जो बोर्ड है इसे सपोर्ट करते कि नहीं। वाला HDMI पोर्ट जो है, इसको हम यहाँ पे HDMI पोर्ड है, आप देख सकते हो इसके अंदर डाल, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड का PCI स्लॉट भी बोलते हैं इसे। सो गाइस अभी हम हमारी CPU के अंदर यानी कि डेस्कटॉप के अंदर देख सकते हो एक ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। तो बड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड है GeForce का, GTX इसका मॉडल यहाँ पे है, देख सकते हो GTX 1050 बताने वाला हूँ इसका। तो फिलहाल देखते हैं कि हमारी जो बोर्ड है पुराना मदर बोर्ड उसमें ये सपोर्ट करती कि नहीं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करके देखेंगे कि हमारी जो बोर्ड है इसे सपोर्ट करती कि नहीं, का फीचर्स वगैरह सब कुछ आगे देखेंगे वीडियो के। मदर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसको खोलना होगा, उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे इस ग्राफिक्स कार्ड में। 5G था, 2GB था, GT730 था, ठीक है। तो वो खराब हो चुका है, तो अभी यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो ये वाला लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि चलती है कि नहीं। तो इसके अंदर तीन ही पोर्ट है, देख सकते हो कोई भी VGA पोर्ट नहीं है, HDMI, DP पोर्ट, और क्योंकि ये एडवांस है तो इसलिए यहाँ पे VGA तीन पोर्ट दिया हुआ है, HDMI, DP पोर्ट और एक ये। राइट गाइस, तो यहाँ पे है हमारा भी जो पोर्ट है ग्राफिक्स कार्ड का, PCI स्लॉट भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्ट, इसके अंदर हम डालेंगे ग्राफिक्स कार्ड को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद पावर वगैरह देखेंगे कि जो ग्राफिक्स कार्ड है वो रन होती कि नहीं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन हो चुका है, ग्राफिक्स कार्ड हमने स्लॉट पे लगा दी है, और यहाँ पे VGA जो केबल है इसे भी डिटैच कर दिया है। अभी इस HDMI के थ्रू इस मॉनिटर में कनेक्ट करके देखूंगा कि जो लाइन है वो सप्लाई दे रही कि नहीं। अगर देती है तो ठीक ठाक है, नहीं देती है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शायद इसमें सपोर्ट नहीं कर रही इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो केबल वगैरह है मैंने डिटैच कर दिया है, हार्ड डिस्क की जो जगह है यहाँ पे इस साइड पे रख दिया है, अभी टेस्ट करने के लिए, अगर सपोर्ट होती है तो बाद में इसे सजाऊंगा, ठीक है। तो चलो HDMI केबल हमने ला दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्ट जो है इसे बोलते हैं HDMI केबल या फिर HDMI पोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको ग्राफिक्स कार्ड के अंदर डालूंगा इस साइड को, और इस साइड को मॉनिटर के पीछे डाल। तो आपको दिखा देते हैं मॉनिटर के इस साइड पे भी हमने खोल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो VGA पोर्ट, इसको हम साइड में रखे हैं। अभी ये वाला HDMI पोर्ट जो है इसको हम यहाँ पे HDMI पोर्ट है आप देख सकते हो इसके अंदर डालूंगा, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो HDMI कनेक्ट कर लिया, अभी पावर देखेंगे। UPS हमने ऑन कर दी है, पावर बटन को दबाना है, दबा दिए हैं, लाइट अंदर आ चुकी है। अभी देखेंगे कि जो ग्राफिक्स कार्ड है, हाँ ग्राफिक्स कार्ड तो चल रही है, यहाँ पे फैन घूम रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मॉनिटर पे अभी भी डिस्प्ले नहीं आया, यहाँ पे अभी भी डिस्प्ले नहीं आया, कुछ चालू है, फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, वैसे थोड़ा टाइम लेता है। देखते हैं माउस कीबोर्ड के अंदर लाइन आया कि नहीं। हाँ माउस कीबोर्ड तो चल रहा है यहाँ पे, हाँ बारी है तो डिस्प्ले आने की। मॉनिटर के अंदर लाइन आया है दोस्तों, लेकिन अभी भी डिस्प्ले पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले भी ले चुका है, और इस ग्राफिक कार्ड को भाई दोबारा से लगाना पड़ा, और यहाँ पे HDMI के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हो केबल ये जा रही है, मॉनिटर हमारा लाइन आ चुका है यहाँ पे, ग्रीन लाइन देख सकते हैं, और अभी जो विजुअल है ये HDMI के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो चलो अभी डिटेल्स देखते हैं क्या कहें यहाँ पे,
और यहाँ पे रेड लाइट भी ब्लिंक हो रहा है, पहले नहीं ले रहा था, अभी सारे जो पेरिफेरल से मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे कि सेकेंडरी हार्ड डिस्क यहाँ पे हैं, हमारा SSD यहाँ पे है, सब कुछ कनेक्ट कर लिया। अभी टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही जो कैबिनेट की ढक्कन है उसे लगाऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। और गाइस HDMI के थ्रू अगर मशीन को देंगे ना तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, देखो अभी इसे सेटअप करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसे रहेगा नहीं। इसके बाद अपडेट पे जैसे हमने बिठा दिया, यहाँ पे देख सकते हो NVIDIA डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ड्राइवर है, यहाँ पे देख सकते हो NVIDIA डिस्प्ले 31, यहाँ पे अपलोडिंग होना शुरू हो चुका है, मतलब कि डाउनलोडिंग होना। तो इंटरनेट कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो मैनुअली इस ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल देख के यहाँ पे देख सकते हो, GeForce GTX Asus का है वो मॉडल यहाँ पे है, फिर भी आप मैनुअली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो इसे होने देते हैं ऑटोमेटिकली, उसके बाद देखते हैं हमारा जो ग्राफिक्स का विजुअल है वो चेंज होता है। ओके, और स्पीड जो है बहुत बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड ही हमारा। तो चलो वेट करते हैं, और यहाँ पे मॉनिटर के विजुअल भी चेंज हो जाएगा पूरा के पूरा, अपडेट होने देते हैं अभी। और यहाँ पे अभी भी टास्क मैनेजर पे कोई भी ग्राफिक्स एक्सटर्नल ग्राफिक्स वगैरह शो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे एक आया है शायद, यहाँ पे और एक आ जाएगा ग्राफिक्स कार्ड का। 100% हो चुका है, आप देख सकते हैं, और NVIDIA डिस्प्ले अभी भी डाउनलोडिंग हो रहा है, इसके बाद इंस्टॉलेशन हो। सो गाइस अभी अभी जैसे मैंने देखा, मैंने ग्राफिक्स जो है ये ले लिया, ठीक है, अपडेट हो चुका है पूरा, जो है ग्राफिक्स चेंज हो चुका है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से भी दिखाऊंगा। और इसका फुल विजुअल जो है अभी चेंज हो चुका है एकदम से, मैंने अभी नोटिस किया। इसका जो ड्राइवर है ये ले लिया है, यहाँ पे गाइस देख सकते हो CPU NVIDIA GeForce 41°C, कितना परसेंट अभी ये कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे 4GB ऑफ शो हो रहा है, सारे डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुका है। पहले तो नहीं ले रहा है, थोड़ा दिक्कत होता है पहले में इंस्टॉल, लेकिन अभी गाइस देखो इसका फुल सेटअप ले लिया है, अभी पूरा सेटअप चेंज। फाइनली DDR5 4GB ऑफ ग्राफिक्स कार्ड हमारी CPU के अंदर इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो देखो कमांडर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे NVIDIA कंट्रोल पैनल ये आ रहा है, पहले ये नहीं था। इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिर लेफ्ट क्लिक करके HDMI कंटेनर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो फुल्ली इनेबल्ड हो जाएगा हमारी CPU के अंदर। उसके बाद सारा कंट्रोल वगैरह यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे मॉडल भी शो होगा, आप देख सकते हो NVIDIA कंट्रोल पैनल वर्जन 536.23 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, ठीक है, इसका मॉडल है। इस मॉडल को देख के आप प्राइस वगैरह सब कुछ देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हो कितने कितने रेजोल्यूशन से, जैसे कि 1920x1080p रेजोल्यूशन से इस मॉनिटर का, तो वो ऑटोमेटिकली लिया है। 70Hz देख सकते हो, 70Hz मैंने कर दिया है, रिफ्रेश रेट 60 था, 70Hz मैंने कर दिया उसके बाद अप्लाई, ठीक है। तो योर डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन हैज चेंज, डू यू लाइक टू कीप दिस चेंजेस, यस कर देता हूँ। ये जो मॉनिटर है 75 रिफ्रेश रेट पे चल रही है, ठीक है गाइस, विजुअल पहले से पूरा चेंज है, सब कुछ चेंज दिखेगा आपको। HDMI के थ्रू कनेक्टेड है, और पहले VGA में ना यहाँ पे जी ऐसा कुछ आ रहा था, अभी देखो पूरा नीट एंड क्लीन है। ये वाला लाइट भी बंद कर देता हूँ, देखो पूरा नीट एंड क्लीन है। और ग्राफिक्स कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि अब हार्ड गेमिंग करो या फिर एडिटिंग करो, जैसे कि मैं एडिटिंग करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे गाइस मैंने आपको बता रहा था कि GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और यहाँ पे एक आ जाएगा जैसे कि पूरा है, यहाँ पे CPU का है, मेमोरी का है, उसके बाद डिस्क का है, SSD का है, इंटरनेट का है, और GPU का, ये पहले नहीं था, ये अलग से आ चुका है, ठीक है। अभी देख सकते हो 38 शो हो रहा है, और यूज़ कितना हो रहा है 0। जब मैं यहाँ पे एडिटिंग वगैरह ज़्यादा लोड दूंगा तो ये भी बढ़ेगा, और हमारा जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, टाइमिंग बहुत कम हो जाएगा रेंडरिंग का। वो देखते कितना प्राइस वगैरह है सब कुछ देख लेते हैं। बाकी गाइस मॉनिटर का विजुअल ना बहुत चेंज हो चुका है, मतलब कि एक अलग ही फील होता है, लगता है कि अगर ग्राफिक्स कार्ड के बिना कंप्यूटर आप चलाते हो तो लगता है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत है, लैगिंग का इशू है, स्लो चल रहा है, और जैसी ग्राफिक्स कार्ड आप डालते हो ना लगता है इसका हार्ड है वो वापस आ चुका है ना। तो पहले मैं ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करता था इसलिए मुझे, अभी गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्च किया था ऑफिशियल, इस साइट पे घुसने के बाद आप ड्राइवर वगैरह यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं,
यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, ये वाला। तो 15,000 इसका प्राइस है फिलहाल। और यहाँ पे लिखा हुआ है एनवीडिया जी फोर्स GTX 1050 Ti 4GB ऑफ DDR5, ठीक है। तो ये DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है और हमारा जो मदरबोर्ड है ये DDR4 सपोर्ट करती हैं लास्ट, लेकिन गाइस इसमें सपोर्ट मतलब कि कर गई, तो मैं चला रहा हूँ। अभी चल के पता नहीं क्या होगा, अभी तो चल रहा है। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन जुगाड़ कर सकते हो, मैंने ऑफलाइन जुगाड़ करी है और इसका प्राइस लगभग 4,500 के आसपास पड़ा है, ठीक है। चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आगे भी आपको इस चैनल से ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।